कर लेते हैं। बाओ बाओ इधर बाओ, निकल जाओ, एक कमांड जी, एक सरपंच जी बाओ, निकल जा जरा रेवन कुड़ा ਕਰਾ ਜਗਾ ਅੱਜ ਵੀਰ ਦਿੱਕਾ ਦਾ ਦਰਸਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਕੰਨਾ ਹੋ ਸੜੇ ਚਲੋ ਜੀ ਰੱਖ ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਰੋ ਟੰਕਾ ਗਾਣਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆ ਰੂ ਮੱਕ ਕੱਟੇ ਬਣ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਰਪੰਚ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਰਪੰਚ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਰਪੰਚ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਰੇ ਲੱਗ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰ ਸਟਾਰਟ ਜੀ ਅੱਛਾ 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 ਸਾਡੇ ਕੋ 60 ਲੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋ 60 ਜਿਸ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉਧਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 मलाणिया सरपंच पुष्पा देवी की क़ियादत में गांव रंगपुर मलाणिया में इरीगेशन चैनल का काम शुरू करवाया गया है गांव के लोगों के द्वारा। इस काम के करीब करीब 2.5 लाख रुपए का ये काम है और ये काफ़ी पुरानी डिमांड थी। यहाँ पे दिनेश भारती जी का सालाना सतवाह भी होता था और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आते थे और वहाँ यहाँ पे ना तो कोई पुली थी, एक कच्चा नाला था तो बहुत ही दिक्कत आती थी। दूसरा कि ये इस पूरे मोहल्ले का पानी जो है वो आगे जाता तो यहाँ पे पानी ये रुकता था और ये काफ़ी पुरानी डिमांड थी और उस डिमांड को पूरा करते हुए आज इरीगेशन चैनल का ये टेंडर जो सुरजीत सिंह के नाम पर हुआ था और उन्होंने आज सरपंच पुष्पा देवी ने पंचायत रंगपुर मलाणिया की तरफ से काम शुरू करवाया है और मुझे उम्मीद है कि ये पंचायत के रंगपुर मलाणिया के इस मोहल्ले के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी और जो खासकर जो हमारा धार्मिक सतवाह होता है उसके लिए भी जो जितने भी हजारों के हिसाब से जो श्रद्धालु आते थे उनको भी यह राहत मिलेगी ताकि साफ़ सुथरा ये रास्ता बनेगा। दूसरी बात, कुछ लोग शरारती लोग हैं जो वो दूसरे तीसरे दिन सरपंच के खिलाफ नारे लगा देते हैं कि काम नहीं हुआ। रंगपुर मलाणिया गांव में इरिगेशन चैनल के अलावा कम से कम भी 38 स्ट्रीट लाइटें जो हैं वो पंचायत फंड से लग चुकी हैं और उसके बाद टेली कटिंग का सेंटर चल रहा है और उसके बाद काफ़ी जो काम है रंगपुर मलाणिया गांव में और पंचायत में शुरू हो चुके हैं और ख़त्म भी हो चुके हैं। इस रंगपुर मलाणिया गांव की मैं बात करूं तो 7 लाख की गली जो है वो जल्दी ही शुरू होने वाली है और 8 लाख कुछ का टेंडर वो जसवीर सिंह पप्पा के नाम पे जो नियामतगार बनेगा हमारे रंगपुर मलाणिया में जहाँ पे नायब तहसीलदार पटवारी बैठेंगे उसका भी काम शुरू होने वाला, टेंडर हो चुका है। ठेकेदार कब काम शुरू करता है वो जल्दी काम शुरू होने वाला। उसके बाद 2.5 लाख का जो बाथरूम है यहाँ जब भी हमारी कोई डेथ हो जाती है तो गांव इस गांव रंगपुर मलाणिया इतना बड़ा गांव है ये लोग बहुत बड़ी बातें करते हैं और झूठ बोलते हैं। इन्होंने कोई डेवलपमेंट इन लोगों ने नहीं करवाई है, सिर्फ नारे लगाते हैं और झूठी बातें करते हैं। और ये 2.5 लाख रुपये का जो लेडीज़ बाथरूम है माता मंदिर के साथ ये भी जल्दी ही काम शुरू होने वाला है और भी काफ़ी प्लान जो रंगपुर मलाणिया का दिया हुआ है। जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे वैसे वैसे काम शुरू होते जाएंगे। लेकिन ये झूठ बोलने वाले लोग कैप्टनी पेंशन ही आए हुए हैं।
चोर तो ये लोग हैं, ये पैसा तो ये लोग खा रहे हैं, और बदनाम जो है वो सरपंच को करते हैं। इसलिए मैं ये इन लोगों को आपके मीडियम के द्वारा कहना चाहता हूँ कि ये आवाज़ आ जाए, सच्चाई पे चले और सभी मिलकर हाँ रंगपुर मलानिया की और रंगपुर गांव की डेवलपमेंट करें। इन लोगों की बदौलत ही काम रुकी है। ये लोग आरटीआई और क्राइम ब्रांच में चले जाते हैं और अपने नंबर बनाने के लिए, लेकिन डेवलपमेंट के लिए ये लोग बात नहीं करते। ये झूठ बोलते हैं और झूठी बातें करते हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इन लोगों ने समाज के साथ चलकर काम करना चाहिए। और एक साथी मेरा कह रहा था बीच में कि इरीगेशन चैनल पानी का जो है वो रास्ता नहीं है। इन लोगों ने ही तालाब भरे हुए हैं, इन लोगों ने ही पानी बंद किया हुआ है। यही लोग मीडिया में आकर बात करते हैं। हमने बोला है कि जो जिन जिन की ज़मीन लगती है उनके साथ सहमति बनाओ और हम नरेगा से वो खार पानी का जो है रास्ता वो निकाल देते हैं, लेकिन ये लोग झूठ बोलते हैं और लड़ाना चाहते हैं पंचायत में रंगपुर मलाने में लोगों को, इनकी डेवलपमेंट ना हो। इसलिए मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि ये लोग वहाँ जा जाएँ और साथ मिलकर सभी रंगपुर मलाने की और रंगपुर पंचायत की डेवलपमेंट करें। आज मैं इसी काम की शुरुआत मैंने